आज हम जानेंगे 201 स्टेनलेस स्टील के बारे में। 201 स्टील का ग्रेड है और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है 201 का सिंक, वॉशिंग मशीन, विंडो और डोर बनाने में। और भी इसके अलावा कई जगह यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील का 201 का। और इसमें आप देख पाएंगे इसका कंपोजिशन कार्बन, मैंगनीज, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, क्रोमियम, निकेल, नाइट्रोजन और आयरन है। लेकिन इसमें जो सबसे मेन है वो है क्रोमियम, जो जंग लगने नहीं देता है स्टील में। और यहाँ पे स्टेनलेस स्टील 201 लेस एक्सपेंसिव होता है, आपको सस्ता मिल जाता है, क्रोशन से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये इंटरनल यूज के लिए है। वैसे जैसे रूम के अंदर, घर के अंदर या बिल्डिंग के अंदर, अगर आप इसे बाहर लगाएंगे तो इसमें जंग लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें बहुत आसानी से जंग पकड़ लेता है। तो इसका, इस ग्रेड का स्टील जब भी आप यूज करें 201, तो आप इसे घर के अंदर ही एनवायरनमेंट में खुला ना हो ये, और मेंटेनेंस भी इसका करना पड़ता है, जैसे इस रोज सफ़ा करना इसको या फिर अल्टरनेट डे पे सफ़ा करते रहना। अगर आप इसे सफ़ा नहीं करते हैं या मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ दिनों में इसमें भी जंग लग जाता है। और स्टेनलेस स्टील 201 ग्रेड का ही है ये, आपको कैसे पता चलेगा? स्टील के ऊपर लिखा रहता है ग्रेड, तो आप उस पर देख सकते हैं स्टील के ऊपर। तो मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा 201 स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है, क्योंकि ये सस्ता है, प्लस इसे लोग स्टील समझ के अच्छी क्वालिटी का खरीद लेते हैं। कुछ दिनों में उस स्टील में जंग लग जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता है कि ये 201 स्टेनलेस स्टील है और इसमें क्रोशन आसानी से पकड़ लेता है अगर इसे मेंटेन ना किया जाए, सफ़ा ना किया जाए, या खुले में छोड़ दिया जाए, या साल्ट वाली जगह या खुले एनवायरनमेंट में, तो इसमें आसानी से क्रोशन पकड़ लेता है। आज हम जानेंगे 304 स्टेनलेस स्टील के बारे में। इस स्टील का यूज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पाइप, स्टोरेज टैंक और कई इक्विपमेंट में किया जाता है। 30 स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता है प्लस टिकाऊ है। इसलिए 304 स्टेनलेस स्टील आपको मिड रेंज में मिल जाता है, ना ही बहुत महंगा ना ही बहुत सस्ता, आपको मीडियम रेट में मिल जाता है। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो सेम 201 में जो कंपोजिशन है सेम इसमें भी रहता है, बस इसमें जो परसेंटेज है उसमें हल्का सा चेंज रहता है क्रोमियम और निकेल में और भी केमिकल में इसमें। और ये क्रोशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ज़्यादा, 201 स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा अच्छा है ये स्टील, और ये उससे बेहतर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है क्रोशन लगने से। और इस स्टील का यूज आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट खुले में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस मेंटेनेंस करना होगा, जैसे उसमें सफाई का ध्यान रखना। इस स्टील में भी क्रोमियम ही है जो क्रोशन रेसिस्टेंट का काम करता है। 304 स्टेनलेस स्टील सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है स्टील। स्टेनलेस स्टील अगर कहीं पे भी यूज किया जाता है तो पहले, सबसे पहले इसे ही रिकमेंड किया जाता है, क्रोशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है बहुत अच्छा। और स्टेनलेस स्टील का ग्रेड क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये स्टील के ऊपर लिखा हुआ रहता है, उस पर आप बहुत ही आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।